1994 में इंसानियत ने रेसिंग को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हुए इंसानी फिजिकल लिमिट्स को टेस्ट करने का फैसला किया और 51 किलोमीटर लंबी मैराथन रेस सहारा के रेगिस्तान में ऑर्गेनाइज करवाई, जो साउथ ईस्ट मोराको से शुरू होकर 6 दिन तक मुसलसल अपने पांव पर भागकर मुकम्मल करना थी। हर एक पार्टिसिपेंट को अलग अलग भागना था। शदीद गर्मी और अकेलेपन के साथ सिर्फ ट्रैक को फॉलो करते हुए, जिसकी जगह जगह चेक पॉइंट बने हुए थे। 1996 में एक इटालियन मैराथन रनर भी इस रेस में शामिल था, जिसका नाम था प्रोस्पेरी, जिसने इस रेस को जीतने के लिए काफी प्रैक्टिस भी की थी। रेस का आगाज होता है और हर शख्स एक दूसरे से फासले पर वक्फे वक्फे से भागना शुरू करता है, जिनके बैग के अंदर किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए मुख्तसर खाने पीने का सामान, कंपस और मेडिकल किट जैसी चीजें मौजूद थी। इस ट्रैक पर 6 चेक पॉइंट्स थे और हर एक पार्टिसिपेंट को हर एक दिन एक चेक पॉइंट पर पहुंचना था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, मगर चौथे ट्रैक पर पहुंचने के लिए प्रोस्पेरी को 53 मील का फासला भागकर एक दिन के अंदर तय करना था। लेकिन यहां पर अचानक से रेत के बड़े बड़े तूफान उठना शुरू हो गए। गर्द-ओ-गुबार के छोटे छोटे टुकड़े इसकी हद-ए-निगाह को मुतासिर करने लगी और इसी दौरान इसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहां और कैसे बढ़ा जाए। इसने यहीं पर रुकने का फैसला किया, मगर फिर इसे ख्याल आया कि रेत के तूफान इसे यहां पर ही दबा लेंगे। फिर इसने फैसला किया कि हर हाल में आगे बढ़ते रहना है और मुसलसल आगे को बढ़ता रहा। 8 घंटे के बाद तूफान थमा और कुछ नजर आने लगा तो शदीद ब्लीडिंग की वजह से इसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि वो रेसिंग ट्रैक दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था, यानी अब ये शख्स सहारा के बीचों बीच खो चुका था। और इसीलिए प्रोस्पेरी ने यह सोचा कि शायद अब इसे कुछ देर सो लेना चाहिए। नींद मुकम्मल करने के बाद जब इसकी आंख खुली तो 4 घंटे मजीद भागने के बाद, कि शायद इस उम्मीद में कि रेस के और पार्टिसिपेंट इसे कहीं नजर आ जाएं, मगर इसकी उम्मीद बेकार गई। अब वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया कि अंदाजा लगाए कि आखिर किस तरफ जाया जाए। टीले पर चढ़ने के बाद जब इसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो इसकी रूह कांप उठी। चारों तरफ जहां भी निगाह जाती थी सिर्फ रेत के सिवा कुछ भी नहीं था। इसे याद आया कि इसके पीने का पानी खत्म हो चुका है और इमरजेंसी के लिए इसने अपने यूरिन को बोतल के अंदर भरा ताकि इसे रिसाइकल करके पी सके, और इमरजेंसी हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगा कि शायद इसको ढूंढने के लिए वहां पहुंच जाए। और यूं शाम होने लगी, अचानक हेलीकॉप्टर इसे ढूंढने के लिए इसके सर पर मौजूद था। जब ये प्रोस्पेरी के सर के ऊपर से गुजर रहा था तो इसने अपने फ्लेयर गन से फायर कर दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर ने इसे फिर भी ना देखा और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर इसकी नजरों से गुम हो गया और प्रोस्पेरी इस टेंशन के अंदर फिर से सो गया। खुशकिस्मती से 8 घंटे गुजरने के बाद सहरा के बीचों बीच इसे एक मस्जिद नजर आई जो कि वीरान पड़ी थी। अगले 2 दिन इसने यहाँ पर रहकर अपनी यूरन में खाना पकाया और अपने पसीने से अपनी प्यास बुझाता रहा। इस मस्जिद पर इसने अपने मुल्क इटली का झंडा भी लगा दिया, ये सोचकर कि इसे देखकर इसे ढूंढने में मदद मिले। इसने चमगादड़ों को मारकर पानी की कमी पूरा करने के लिए इनका खून पिया और अगले दिन चौथे रोज के लिए सो गया। खुशकिस्मती से अगले रोज एक हेलीकॉप्टर जो कि इसकी तलाश कर रहा था इसके सर पर से गुजर रहा था। इस जहन्नम से बचने के लिए प्रोस्पेरी ने SOS यानी इमरजेंसी का निशान अपने हाथों से बनाया और अपने बैग को आग लगा दी ताकि इसके निकलने वाले धुएं से हेलीकॉप्टर पर मौजूद लोगों की तवज्जो हासिल कर सके। मगर इस शख्स की किस्मत देखें कि एक बार फिर वही तूफान फिर से चलना शुरू हो गया जिसने इसे इस हाल में पहुंचाया था, और अब की बार ये 12 घंटे तक मुसलसल चलता रहा। 4 दिन गुजर चुके थे, इसका खाना और पानी खत्म हो चुका था और तब प्रोस्पेरी ने मान लिया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता मरने वाला है। इटली के अंदर अगर कोई शख्स लापता हो जाए तो इसके लवाइकीन को 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर इस शख्स को गवर्नमेंट मुर्दा डिक्लेयर कर देती है। प्रोस्पेरी ने सोचा कि सहरा के अंदर रेत के दरमियान मरकर
इसकी बॉडी तो किसी को नहीं मिलेगी और यूं इसके घरवाले गवर्नमेंट की पेंशन और मदद से महरूम हो जाएंगे। लिहाजा इसने मस्जिद के अंदर जाकर सुसाइड करने का फैसला किया कि रोज बरोज मौत की इस अजियत से बेहतर है ये एक बार में ही मर जाए। इसने अपना आखिरी एक वसीयतनामा भी लिखा और एक छोटे खंजर से वेन काटकर वही लेट गया और आंखें बंद कर ली। मगर हैरतअंगेज तौर पर अगली सुबह इसकी आंख फिर से खुली। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि शदीद डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की वजह से इसका खून वेन से बाहर निकलने से पहले ही जाम हो गया, जिसकी वजह से इसकी मौत ना हो सकी। इस चीज ने इसे मजीद मोटिवेशन दी कि शायद ऊपर वाला इसे बचाना चाहता है तो वो क्यों खुद अपनी जान लेने पर तुला हुआ है। अब इसने अपना बचा कुचा सामान एक बार फिर से इकट्ठा किया और फिर इस जालिम सहरा की पहाड़ियों में निकल पड़ा। रात की ठंड में वो रेत अपनी ऊपर बिछा कर लेट जाता और दिन के अंदर किसी दरख्त की झाड़ियों में या किसी ऊंचे टीले की छांव के अंदर रुक जाता। 3 दिन ऐसे ही आवारा घूमने के बाद आखिरकार इसे एक नखलिस्तान नजर आया, जिसे देखने पर इसे ऐसा लगा जैसे जीने की उम्मीद एक बार फिर से मिल गई हो। नाक और मुंह में ब्लीडिंग के बाद स्वेलिंग की वजह से वो पानी बहुत मुश्किल से पी रहा था और आखिरकार इसे पीने के बाद वो वहीं पर लेटकर सो गया। अचानक सुबह उठने पर इसे बकरियों के झुंड और इंसानी कदम नजर आए। छोटी बच्ची अपनी भेड़ों की झुंड के साथ इसकी आंखों के सामने मौजूद थी। ये लड़की प्रोस्पेरी को इतना बेचैनी में अपनी तरफ भागता हुआ देखकर वहां से भाग गई, मगर ये इस लड़की का पीछा करते हुए किसी न किसी तरह इस कबीले तक पहुंच गया, जहां पर लोकल पुलिस को इसकी गुमशुदगी की इतला पहले से मिल चुकी थी। मकामी पुलिस ने इसे अस्पताल पहुंचा दिया, मगर हैरत की बात यह थी कि यह मोरक्को मुल्क के अंदर नहीं बल्कि अल्जीरिया के अंदर था, यानी इसने एक पूरे मुल्क का सफर पैदल तय किया, वो भी 180 किलोमीटर रेसिंग ट्रैक से दूर जाकर। ये अपना 33 पाउंड वजन कम करके सिर्फ 99 पाउंड्स के साथ चलते फिरते ढांचे के अंदर बदल चुका था। 16 किस्म की फ्लूइड्स लगाकर इसके जिस्म में पानी और दूसरे लिक्विड्स की कमी को पूरा कर लिया गया, लेकिन बार बार अपनी यूरिन पीने के बाद इसके गुर्दे निहायत मुतासिर हो चुके थे। मगर आखिरकार 9 दिन जिंदगी और मौत के सफर के बाद वो बिस्तर पर था। इतने खतरनाक हादसे के बाद भी इसने अपने रेसिंग करियर को ख़त्म नहीं किया और कई बार रेसिंग मैराथन में हिस्सा लिया। इसने अपनी खुद की किताब भी लिखी, जिसके अंदर अपने सर्वाइवर की कहानी भी लिखी, जो कि आज दुनिया के लिए ना सिर्फ नामुमकिनात बल्कि इंसानी हिम्मत और पुख्ता इरादे की बड़ी मिसाल है कि तुम किसी चीज़ को हासिल करने का इरादा कर लो और खुदा भी तुम्हारे साथ है तो कोई भी चीज़ आपको इसे मुकम्मल करने से नहीं रोक सकती। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अपना ख़ास ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।